एसएस न्यूज़ लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो की भोपाल से अहमदाबाद एवं आगरा उड़ान फिर से शुरू होगी। चूहा ने कुतर डाला पाइप, घर में फटा गैस सिलेंडर। गुजरात में कोरोना के 56 नए मामले। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी से हवाई यातायात सामान्य होने लगा है। इंडिगा ने अब अपनी बंद हो चुकी अहमदाबाद एवं आगरा उड़ान फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से दोनों उड़ानें प्रारंभ हो जाएगी। इसी दिन से एयर इंडिया की पुणे उड़ान शुरू हो जाएगी। इससे भोपाल के यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण इंडिगो ने अहमदाबाद, आगरा, बेंगलुरु, लखनऊ उड़ान बंद कर दी थी। दिल्ली मुंबई रूट पर भी उड़ानों की संख्या कम कर दी गई थी। बेंगलुरु उड़ान पुनः शुरू कर दी गई है। 16 जुलाई से मुंबई रूट पर सुबह की उड़ान भी शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से अहमदाबाद एवं आगरा रूट पर उड़ानें मिलने लगेगी। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में एलपीजी सिलेंडर फटने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। इंदौर के एक घर में देखते ही देखते एलपीजी सिलेंडर आग का गोला बन गया, उसमें तेजी से ब्लास्ट हो गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने पाया कि गैस के पाइप को चूहों ने कुतर दिया था, जिसके कारण गैस लीक हुई और धमाका हो गया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तीसरी खबर, गुजरात में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक अहमदाबाद महानगर पालिका में 12, सूरत में 10, राजकोट में 4 और जामनगर में 1, जूनागढ़ में 1 तथा भावनगर में 2 व गांधीनगर में 2 केस दर्ज किए गए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के अब तक 8,24,147 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,12,718 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,356 है, जबकि अब तक मौत का आंकड़ा 10,073 पर पहुंचा है। गुजरात के सभी जिलों में शुक्रवार को भी कोरोना टीकाकरण को बंद रखा गया है। गुजरात के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले इस प्रकार हैं: आमरेली में 3, आनंद व गिर सोमनाथ में 1-1, जामनगर में 2 व जूनागढ़ व कच्छ में 1-1 मामला सामने आया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।